देखिए, जो लॉकडाउन उल्लंघन का मामला मेरे ऊपर दर्ज कराया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हम जहाँ गए थे, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसमें गए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए हैं। आप लोग उसका वीडियो जो चलाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से जो वीडियो दिखाया गया जा रहा है, या जो मेरे प्रतिद्वंद्वी उस वीडियो को खींच के भेजे हैं, उस वीडियो का बाइट आप लोगों के पास होगा तो उसमें देखिए कि चार क्वालिटी का तस्वीर उसमें दिखाई दे रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि कितना पुराना वीडियो दिखाया गया है। लॉकडाउन का वो वीडियो है ही नहीं, मगर प्रशासन का खुद लॉकडाउन का धजिया उड़ा रहा है प्रशासन के लोग, और यहाँ जनप्रतिनिधि पे कार्रवाई हो रही है, FIR हो रहा है। अभी हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक नेता लोग भी यहाँ आए और जनसभा किए, हाँ उन लोगों ने धजिया उड़ाया है लॉकडाउन का। उस टाइप का मेरा कोई फोटो है तो दिखाया जाए हमको प्रशासन के द्वारा। अब FIR आप कर दे रहे हैं, मैं तो चाहता तो उनके ऊपर दोबारा उनके ऊपर FIR करता, मगर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, क्या फ़ायदा है उससे। आप जो चल के देखिए कहीं भी प्रशासनिक अमल में देखिए, वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग के कैसे वहाँ धजिया उड़ रहा है। और जो आरोप मेरे ऊपर जहाँ के लिए लगाया गया, आप उस वीडियो का जांच कीजिए, अगर उसमें आपको ये दिख रहा है या प्रतीत हो रहा है कि हमने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है तो FIR सही है, और नहीं तो कहिए उस पर विपक्ष में हम कार्रवाई करते हैं। मगर जो प्रशासन को उचित लगा प्रशासन किया है, हम उसको एकदम कोई उसमें हम कुछ बोलने ही नहीं गए हैं पीछे से, चलो हो गया हटाओ। आपका परिचय? मेरा नाम श्री कुमार ओझा हुआ, पैगंबरपुर पंचायत का मुखिया हूँ, सिमरी प्रखंड का मुखिया, संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ।